नमस्कार, केनाइन मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेश वत्स। विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने जब रिहा किया तो पूरे देश ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी पर, सकुशल लौटने पर उसे बधाई दी और इस काम को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की कूटनीतिक जीत है और राज्य मंत्री किरण बेदी ने अपने हलके की ओर अपनी तरफ से विंग कमांडर अभिनंदन को भारत वापसी पर शुभकामनाएं दी और लाडवा से विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने भी अभिनंदन की वापसी को भारत की बहुत बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा, यह जो प्रेशर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर पड़ा है, यह भारत की कूटनीति के कारण हुआ है। और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और भी मजबूत हुआ है और लोगों का विश्वास जो है वो बहुत मजबूत हुआ है। कि पाकिस्तान ने के अंदर जो हमारा विंग कमांडर अभिनंदन जो चला गया था और उसको घंटों के दौरान ही पाकिस्तान ने बिना शर्त से जो है ना उसको रिहाई किया है, ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी एक जीत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया के देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को अपने साथ लगा करके पाकिस्तान के ऊपर जो डिप्लोमेटिक जो प्रेशर बनाया है और इसी डिप्लोमेटिक प्रेशर के कारण ये नरेंद्र मोदी जी की एक कूटनीतिक चाल के तहत जो है ना पाकिस्तान के ऊपर इतना दबाव पड़ा, उसने बिना किसी शर्त के अभिनंदन को छोड़ने का काम किया, ये हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम होगा और हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता का जो विश्वास, दृढ़ विश्वास से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था, आज उनके और हौसले बुलंद होंगे और देश के लोगों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति और विश्वास बढ़ा है। तो ये मैं यही कहना चाहूँगा, ये नरेंद्र मोदी जी के और हाथ मजबूत हों, मेरा देश और मजबूत होकर के उभरेगा। जो सर विंग कमांडर जी अपने अभिनंदन जी हमारे देश वापस लौट गए, उसके बारे में क्या? पिछले लंबे समय से J&K के 2-3 जिलों के अंदर उग्रवाद का एक बहुत बड़ा मामला चल रहा था। पिछले दिनों हमारे 40 सैनिकों पर उन्होंने घात लगाकर हमला किया, बेशकीमती जाने चली गई। उसके आवाज में भारत की सेना ने भी पाकिस्तान में आक्रमण किया था और जिस प्रकार से पाकिस्तान के कुछ हवाई जहाज भारत की सीमा में आए तो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी के नेतृत्व में एक जो MiG-21 था उसने उस पर हमला किया। गलती से हमारा दोनों हवाई जहाज क्रैश हो गए, परंतु क्रैश होने के साथ साथ हमारे विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में चले गए। वहाँ पर उनको 4 दिन पहले गिरफ्तार किया था। आज भारत की कूटनीति के कारण, मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण पाकिस्तान ने उसको रिहा किया है। आज हमारा वीर सैनिक वापस आया, मैं भी अपने शाहबाद हल्के की ओर से उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं और वीर सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे, देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, उनकी हौसले पर ही आज देश सुरक्षित है, ऐसी मैं कामना करता हूं। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।